भागीरथी नदी पर स्थित पृथ्वी से लगभग 260.5 मीटर ऊंचा ये डैम जो भिलंगना और भागीरथी नदी के पानी को रोकता है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 3540 मिलियन क्यूब मीटर हो जाती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित टिहरी डैम के बारे में। टिहरी डैम दुनिया का आठवां और भारत का सबसे ऊंचा डैम, जिसके चर्चे पूरी दुनिया में फैले हैं। यह उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। तो इसकी कहानी शुरू हुई 1961 में, यानी देश के आजाद होने के 14 साल बाद। फिर लगभग 8 साल रिसर्च करने के बाद यानी 1969 को इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी जाती है। स्टार्टिंग में इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी यानी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट और ऊंचाई 260.5 मीटर निर्धारित की जाती है। फिर भारत सरकार द्वारा जून 1972 को इसे हरी झंडी मिली। 1977 से 1978 तक फंड की कमी के कारण इस पर काफ़ी धीरे काम चला। फिर उस टाइम भारत सरकार द्वारा कुछ डिसीजंस लिए गए, जिसमें इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाकर 1000 मेगावाट कर दिया गया। और इस डैम के पीछे छुपी हैं कुछ अविश्वसनीय घटनाएं। बात है 29 अक्टूबर 2005 की, जब पुराना टिहरी नाम से जाने जाने वाला पूरा गांव इसमें विलीन हो गया। आज जहां यह बांध बना हुआ है, वहां कभी बहुत सारे गांव हुआ करते थे, जिन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगहों पर स्थानांतरित कर दिया गया। टिहरी डैम कंस्ट्रक्शन से लगभग 125 गांव प्रभावित हुए, जिसमें से 37 गांवों को पूरी तरह डुबा दिया गया। एक समय था जब पुरानी टिहरी में रहने वाले लोग अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे, पर अचानक भारत सरकार द्वारा पुरानी टिहरी पर यह डैम बनाने का निर्णय लिया गया। इस डैम से 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है आज की तारीख, और इरिगेशन यानी सिंचाई के फील्ड में बहुत मददगार साबित हुआ है, जिससे लगभग 270,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके साथ ही करोड़ों लोगों को पीने का पानी भी मिलता है। इसे भारत सरकार द्वारा 1994 को हरी झंडी मिली। फिर 1995 में इसके इम्प्लीमेंटेशन का कार्य शुरू हुआ। करीब 10 साल का वक्त लगा था इसे बनने में। और फिर अक्टूबर 2005 में उत्तराखंड के माननीय हाईकोर्ट द्वारा आखिरी डायवर्जन टनल को बंद करने का आदेश दे दिया गया, जिसके बाद टिहरी रिजर्वोयर से पानी आना शुरू हुआ। फिर जुलाई 2007 में यह पूरी तरह से स्टार्ट हो पाया। इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले इम्पैक्ट, यहाँ हजारों घर तबाह हुए और लगभग 1,00,000 लोगों को यहाँ से रिलोकेट कर दिया गया, और इन लोगों को भारत सरकार द्वारा नई जमीनें प्रोवाइड की गई। कुछ भूवैज्ञानिक कारण हैं जिससे यह डैम जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन पर लोकेटेड है, यानी इस जगह पर सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। इसके बनाने वाले मानकों के अनुसार यह 8.4 मैग्नीट्यूड यानी 8.4 तीव्रता तक आने वाले भूकंप को भी झेल सकता है, पर किसी को नहीं पता इससे भी ज़्यादा तीव्रता का भूकंप भी आ सकता है। अगर यह होता है तो ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे कई शहर डूब सकते हैं। वैसे यह डैम पहले भी 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आसानी से झेल चुका है। इसके साथ ही यह टूरिज्म का एक बड़ा रोमांचक प्लेस माना जाता है। अब तो यहाँ लाखों पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने आते हैं, जिससे उत्तराखंड सरकार और वहाँ के स्थानीय लोगों को फायदा पहुँचता है। जहाँ पर्यटक पानी में डूबी हुई पुरानी टिहरी को देख सकते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान एक घंटाघर साफ दिखाई पड़ता है जब झील का पानी थोड़ा कम होता है। वहां पर बने गांव और खेत भी साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। तो कैसी लगी टिहरी डैम बनने की ये कहानी, कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।